अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉपवॉच. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टॉपवॉच का जो वर्ड है इसके नाम पे फोकस करते हैं. मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ. मैं स्टॉप यानी कि कोई भी चीज़ जिसको हम रोक सकते हैं, इसका वर्ड स्टॉप का मतलब ही होता है रुकना या रुक जाना. वॉच यानी कि घड़ी, यानी कि ऐसी घड़ी जिसको हम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं या वक्त को रोक सकते हैं या टाइम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए, कोई भी एक इवेंट हो रहा है, कोई भी यानी कि एक इवेंट, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ. एक यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये. ठीक है, किसी भी चीज़ है उसने यहाँ से यहाँ तक जानी और बहुत क्विक मूव कर रहा है, बहुत तेज़ मूव कर रहा है, इतना तेज़ कि हम उसको नॉर्मल वॉच से हम उसको मेजर नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे इस सिनेरियो से बचने के लिए, यानी कि इस चीज़ की मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, हमने एक साइंटिस्ट ने एक स्टॉप वॉच बनाई. स्टॉप वॉच टू टाइप्स की होती है बच्चों, एक डिजिटल स्टॉप वॉच होती है और एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है. डिजिटल स्टॉप वॉच देखो बेटा, डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर सबसे पहले जो है ये एक स्टार्ट का बटन होता है, ये ऑन ऑफ का बटन होता है. इसको जब आप प्रेस करते हैं तो वॉच ऑन हो जाती है, उस पर 0000 के नंबर आने शुरू हो जाते हैं. अगर वो ना आए तो आप उसको रीसेट का बटन दबा दो, फिर वो 00 के नंबर आने शुरू हो जाएंगे. उसके बाद ये फिर एक स्टार्ट का बटन होता है, जैसे जो इवेंट शुरू होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर जो स्प्रिंटर वो भाग रहे होते हैं, तो जैसे वो स्टार्ट होते हैं, वो विसल बजती है, तो स्टॉप वॉच पे जो रेफरी होता है वो बटन दबा देता है और जैसे ही जो पहले पहुंचता है इमेज हो उसकी फाइनल की इमेज ली जाती है और स्टॉप वॉच वहीं पे बंद कर दी जाती है. तो देखिए, वो जो उनका जो स्प्रिंटर रनिंग कर रहे होते हैं, अब तो 9 कुछ नैनो सेकेंड्स इतना कुछ करके ना काफ़ी सेकेंड के भी 100वें हिस्से तक का भी बात जाती है, 10वें हिस्से 100वें हिस्से तक बात जाती है. तो बच्चों, ये है स्टॉप वॉच. ठीक है, इसमें जो ये वाले जो हैं, ये जो इधर वाले जो डिजिट्स हैं, ये रिप्रेजेंट्स करते हैं मिनट्स को. ठीक है बच्चों, यहाँ के ये डिजिट्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड्स को, और ये तो जो छोटे छोटे जीरो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नैनो सेकंड को, यानी कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, नैनो सेकंड. ठीक हो गया, सेम मैं आपको इसका यूज़ बता चुका हूँ. वो प्रेस करते हैं, वो टाइम यहाँ पे शुरू हो जाता है, जैसे ही वो इवेंट ख़त्म होता है हम उसको दोबारा स्टार्ट वाले बटन को दोबारा दबा देते हैं, वो पास हो जाता है. ये फिज़िक्स में क्या क्यों यूज़ होता है बेटा, काफ़ी इस एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिए, पेंडुलम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे साइड पे करके पेंडुलम बना रहा हूँ मैं, ये मैंने बॉब बना दिया, ये बॉब है, इसको मैंने फिक्स पॉइंट से जोड़ दिया है. तो मैंने क्या करता हूँ, ये पॉइंट मैंने बी ले लिया है, ये ए ले लिया है, ये यहाँ पे सी ले लिया. ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको बॉल को उठाऊंगा और उठा के पॉइंट ए तक लेके जाऊंगा और ए से जब रिलीज करूंगा तो ये बी की तरफ आएगी. तो बेटा, ये काफ़ी स्पीड से आएगी, तो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग नॉर्मल एनुअला वॉच. तो हम किसे मेजर करेंगे, स्टॉप वॉच. जैसे वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, हम स्टॉप वॉच को यानी कि छोड़ेंगे तो साथ ही स्टॉप वॉच का बटन दबा देंगे, जैसे यहाँ तक पहुँचेगी उस बटन को हम दोबारा दबा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना टाइम लिया है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए. बच्चों, ये था डिजिटल स्टॉप वॉच. अब जाते हैं हम एनालॉग स्टॉप वॉच की तरफ. तो बच्चों, इसके आप पिक्चर पे फोकस करो कि ना यहाँ पे जो है ये 60 सेकेंड्स हैं, यानी कि 60 यानी कि यहाँ पे आएगा तो 5 सेकेंड्स 10 15 20 सेकेंड्स हो जाएंगे. जैसे ही ये जो नीडल है या फिर आर्म एक कंप्लीट पूरा चक्कर करता है, ठीक है, पूरा क्लॉक वाइज चक्कर कंप्लीट करेगा तो वो 1 मिनट हो जाएगा. तो देखिए, यहाँ से मैंने इन्होंने दी होती है एग्जांपल के तौर पे, ये देखें 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेकंड होंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड. तो अगर फर्दर फोकस करें, मैं सिर्फ 5 वाले हिस्से को मैंने बनाया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 सेकंड, यहाँ पे आएगा 2 सेकंड, यहाँ पे आएगा 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड. ये यहाँ पर सॉरी 1 2 3 4 ये नहीं बनाना चाहिए, ठीक है 5 सेकंड. लेकिन अब एक और चीज़ बच्चों, इस पर गौर करो, ये जो 1 सेकंड है ये फर्दर आगे मैंने 10 सेकंड पे डिवाइड किया हुआ है, यानी कि सिंपल आपको पता चलना चाहिए इसी से कि ये जो डिजिटल मैकेनिकल स्टॉप वॉच है ये 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक एक्यूरेट मेजर करता है और ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक एक्यूरेट मेजर करता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक एथलीट भागा, एक स्प्रिंटर भागा है, ये नीडल चलती 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 ना यहाँ पे आ गई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करके आ गई है. ठीक है,
तो मैं नोट करूँगा जी 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब 4 सेकेंड पे कहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 4.7 सेकेंड के अंदर अंदर उस एथलीट ने ये थोड़ा सा डिस्टेंस 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर ले लें जितने में हो जाता है एथलीट कर लेते हैं, तो उसने 4.7 सेकेंड के अंदर ये 50 मीटर का डिस्टेंस तय किया। तो बच्चों ये जो है फेडरल बोर्ड का जो टॉपिक है 1.6 का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो सब टॉपिक है स्टॉपवॉच। बेटा मुझे अक्सर ना, यानी कि ये जो टॉपिक है स्टॉपवॉच है, ये फेडरल बोर्ड में भी है, पंजाब बोर्ड में भी है, कोहाट बोर्ड में भी है, पंजाब के काफ़ी जो दूसरे बोर्ड्स उनमें भी है, इवन के ओ लेवल्स के अंदर भी है, और इंडिया की कोई बुक्स हैं उनमें भी ये आता है, यानी कि जो फिज़िक्स है, जो बेसिक फिज़िक्स है उसमें ये टॉपिक आता है। तो होप्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।